हेलो बच्चों, तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 14th और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाने को रेडी हो जाओ। निकाल लिया, तैयार हो गए, आ जाओ अपनी स्टडी टेबल पे। इधर उधर के डिस्टर्बेंसेस बंद करो, चूहा मार के खाना भी बंद करो। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए शुरू करते हैं ये आसान सा और छोटा सा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, और आपको पता है कि जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं। ईथर्स क्या होता है? आर ओ आर डैश। अब इस सीरीज में जो आपको सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है वो पढ़नी है रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स। ईथर्स के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और रिएक्शन होगा। कार्बन ऑक्सीजन मतलब ये वाला बॉन्ड, आर ओ वाला बॉन्ड। अब इस सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है वो होता है विथ एच आई, हाइड्रोआयडिक एसिड के साथ, एच आई के साथ। तो देखो एच आई के साथ कैसा रिएक्शन होगा। हम यहाँ पे ईथर ले लेते हैं, आर ओ आर डैश, और एच आई से रिएक्ट करा दिया, क्या होगा? एक अल्काइल ग्रुप को जाके आई से जोड़ दो ऐसे, और बचा क्या आर डैश ओ, उसको एच से जोड़ दो, आर डैश ओ एच। बोलो समझ गए? कोई एक अल्काइल ग्रुप उठा के आई से जोड़ दो और आर डैश ओ को एच से जोड़ दो। किसको किससे जोड़ना है यही आज की पूरी कहानी होगी। खैर अभी क्या बन रहा है, एक बनेगा अल्काइल आयोडाइड और एक बनेगा अल्कोहल। देखो 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 देखो, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5O C2H5+HI। यार इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो किसी एक से अल्काइल आयोडाइड बना दो C2H5I और एक से अल्कोहल। यार इसमें दिक्कत नहीं हुई क्योंकि दोनों सिमिलर अल्काइल ग्रुप थे। अभी डिफरेंट हो जाए तो दिक्कत है, जैसे CH3O C2H5+HI। अब क्या करें, अब इससे आयोडाइड बनाए या इससे आयोडाइड बनाए? फंस गया ना, जहां अनसिमेट्रिकल ईथर आता है वहां पे रिएक्शन फंसने लगता है। जैसे मान लो ये हो CH3 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 O CH3+HI। अब क्या करें भाई, बताओ। ये वाले अल्काइल ग्रुप के साथ आई को जोड़े कि छठ ऐसे अल्काइल ग्रुप के साथ आई को जोड़े? तो इस तरह के जब सवाल आएंगे तब आपको मैकेनिज्म इसका पता होना चाहिए। ऐसा तो बड़ा आसान था कि दोनों सिमेट्रिकल है, एक को आई से जोड़ दो एक से अल्कोहल बना दो। इसमें दिक्कत है, मिथेनॉल बनाए या इथेनॉल बनाए, यहां भी दिक्कत है। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाए कि मिथाइल अल्कोहल बनाए, समझ रहे हो ना, कि इससे जाके एच को जोड़े कि इससे एच को जोड़े। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसका मैकेनिज्म और कुछ पॉइंट्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। पहले इसको आप नोट कर लें, छाप लें, इसको नोट करें पॉज करके। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लिया, मिटाएं इसको, ठीक है। रिएक्शन विद एच आई बहुत इंपॉर्टेंट है ईथर्स की प्रॉपर्टी में, यहां से सवाल आता ही आता है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कैसे डिसीजन लेंगे आप अनसिमेट्रिकल ईथर में। जब दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हों तब कैसे फैसला करना है, आपको तीन केस याद रखने हैं। केस नंबर वन, इफ बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी, प्राइमरी बोले तो वन डिग्री, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप वन डिग्री हैं तो मैकेनिज्म फॉलो होगा SN2। वन डिग्री अल्काइल हैलाइड या वन डिग्री अल्काइल ग्रुप क्या फॉलो करता है? SN2। केस टू, इफ एनी वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी, दोनों में से कोई भी एक अल्काइल ग्रुप अगर थ्री डिग्री है, और बेंजाइल या तो बेंजाइल है, तो उस केस में SN1 का मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, अभी बताएंगे, पहले भी ये चीज नोट करो। केस थ्री जो कि आता नहीं है, देखो यार प्राइमरी बड़ा क्लियर होता है, वन डिग्री SN2 दिखाता है,
3 डिग्री और बेंजाइल SN1 दिखाता है, 2 डिग्री यार थोड़ा सा डाउट होता है, SN1 भी दिखा सकता है, SN2 भी, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. सो इफ एनी वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री, तब आप सॉल्वेंट चेक करना. कई किताब बोलती हैं कि 2 डिग्री भी SN2 देगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा 2 डिग्री. ठीक है, 3 डिग्री हमेशा SN1, 1 डिग्री हमेशा SN2, और 2 डिग्री के लिए सॉल्वेंट, ये जल्दी आता नहीं है, बेसिकली हमें इसको पढ़ना है, पहले बताएंगे इसको ही बता देंगे, नोट कर ले पहले छाप लें. अगर दोनों अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री तो SN2, दोनों में से कोई 3 डिग्री या बेंजाइल तो SN1. चलिए पहला केस डिस्कस करें, मिटा रहे हैं इसको. आइए तो केस 1 को हम ले लेते हैं. केस 1, व्हेन बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी, जब दोनों 1 डिग्री है, मैकेनिज्म होगा SN2 मैकेनिज्म. अभी SN2 क्या होता है दिखा देते हैं. कार्बोकेटाइन नहीं बनता उसमें, बेसिकली देयर इज नो कार्बोकेटाइन. देखो क्या होगा, एक काम करते हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप पहले प्राइमरी लेते हैं, ये उठा ले, ये वाला इधर उठा लेते हैं, CH3CH2O CH2CH3, ये ले लेते हैं इधर, इसका रिएक्शन करा देते हैं किससे, HI से. क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप आई से लग जाएगा CH3CH2I, और एक से अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH. अब इसका मैकेनिज्म पूरा चेक करते हैं, इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं. आ जाइए, तो हमने ये उठा लिया, ये क्या है, डाई इथाइल ईथर. तो CH3CH2O CH2CH3 दोनों तरफ प्राइमरी है ना अल्काइल ग्रुप, देखो ये भी एक कार्बन जुड़ा है, ये भी. आओ इसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले HI से रिएक्ट कराएंगे, HI एक बहुत बढ़िया एसिड होता है, बहुत बढ़िया. तो यहाँ से H+ निकल के आता है. अब H+ आएगा कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन अपने लोन पे इसको डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा, CH3CH2O CH2CH3, और ये H आकर इससे जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा. भाई ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया. ठीक है, ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बना. अब क्या होगा, H+ अटैक कर चुका, कौन बचा, I-, तो अब अटैक होगा I- का. अब अटैक करने कौन आया, I- अटैक करने आया. ठीक है, H+ अटैक कर चुका I-. अब यार I- कहां अटैक करेगा, अब यही जो स्टेप है यही है अपना SN2 मैकेनिज्म, यही है अपना SN2 मैकेनिज्म. अब I- किधर अटैक करेगा, I- किधर अटैक करेगा, देखो अब क्या होगा कि ये वाला पूरा न्यूक्लियोफाइल यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक. तो ये वाला पूरा न्यूक्लियोफाइल बाहर गया और ये I- का न्यूक्लियोफाइल इधर से इस कार्बन पर अटैक करेगा. भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहेगा तो कार्बन के ऊपर थोड़ा सा प्लस चार्ज आ जाएगा. अरे भाई इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज क्या है, बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो बाहर भागना चाहेगा. तो कहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकलना चाहे, जब यहां से बाहर निकलना चाहेगा इस कार्बन में प्लस चार्ज डेवलप होने लगेगा तो I- आकर इस पे अटैक कर देगा. ठीक है, बट कोई कार्बन का टाइम नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये निकल गया इस पे प्लस चार्ज बना तब I- अटैक किया, नहीं, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन द सेम स्टेप. तो केस वन में क्या है, व्हेन बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी, दोनों अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हैं, मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN2. अब SN2 क्या होता है, SN2 ये होता है कि कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा. आइए देखें कैसे होगा, हम ले लेते हैं ये CH3CH2O CH2CH3,
देखो दोनों प्राइमरी हैं, ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक कार्बन से, दोनों प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो गए 1 डिग्री। रिएक्शन एच आई से क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप आई से जोड़ दो CH3CH2I और एक अल्कोहल CH3CH2OH। आइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म क्या बोलता है, आ जाओ CH3CH2OCH2CH3 किससे रिएक्ट करेगा, ये HI से। अब HI बहुत ही बढ़िया एसिड होता है, यहां से H+ निकला, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे है, H+ पे कोऑर्डिनेट हो गए, क्या बना CH3CH2OCH2CH3 और यहां लग गया H और ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। प्लस क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे दिख रहा है। अब होगा SN2 रिएक्शन। इसके बाद SN2 क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, यानी एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा और दूसरा अंदर आएगा। देखो यहां से HI में से H+ यूज हो गया, क्या बचा I-, तो अब ये I- आया, ये अपना न्यूक्लियोफाइल, ये अपना न्यूक्लियोफाइल I- किस पे अटैक करेगा, CH3CH2OCH2CH3 इस स्पीशी पे अटैक करने जा रहा। पहले H+ इस पे अटैक किया, ये बना, अब I- इस पे अटैक करने जा रहा। अब देखो क्या होगा, SN2 होगा, अब SN2 होगा। SN2 में क्या होता है कि ये I- यहां अटैक करना चाहेगा। अच्छा यहां पे देखो, ये O के ऊपर प्लस चार्ज बहुत अनस्टेबल, ऑक्सीजन ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा दोगे तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे। अब जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर थोड़ा सा प्लस चार्ज आने लगेगा, जैसे ही प्लस आने लगेगा I- पीछे से इस पे अटैक मारेगा, रियर साइड से अटैक होता है SN2 में, पीछे से अटैक मारा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और इधर से I आकर इससे जुड़ जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं होगा कि ये मैकेनिज्म अलग अलग स्टेप में हो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये निकल गया इस पे प्लस चार्ज आया फिर ये अटैक मारा, नहीं, देयर इज नो कार्बोकेटायन। SN2 की ये कहानी हमेशा याद रखना, देयर इज नो कार्बोकेटायन, कोई कार्बोकेटायन इसमें नहीं होगा। तो ये मॉलिक्यूल बाहर निकला, क्या निकला, -CH3CH2OH ये निकल गया और ये I आकर इससे जुड़ गया, क्या बना CH3CH2I। अब बोलोगे सर ये वाला समझाने से क्या फायदा, इसमें तो सिमेट्रिकल था, लॉजिक इसी के अंदर है। देखो ध्यान से देखो ये हो क्या रहा है, SN2 SN2 किस पे डिपेंड करता है, कार्बोकेटायन तो बनना नहीं है। SN2 में एक ही फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है सारी कहानी, वो होता है लेस स्टेरिक हिंडरेंस। अब तक आप SN2 जानते होगे क्या होता है, नहीं जानते बता दिया। स्टेरिक हिंडरेंस मतलब कि ये जिस पे अटैक करे, ये जिस पे अटैक करे, यहां भीड़ ना हो। भाई अगर यहां भीड़ होती तो I- अटैक ही नहीं कर पाता, भाई I- को घुस के आना है ना, तो अगर यहां पे भीड़ ज्यादा होगी तो I- घुस नहीं पाएगा। अभी दोनों तरफ भीड़ बराबर है, तो चाहे इधर से अटैक करे चाहे इधर से अटैक करे, है ना। मतलब कहने का मतलब कि चाहे यहां से इलेक्ट्रॉन ये खींच के चला जाए और इसके ऊपर प्लस आए, I- इस तरफ अटैक करे, बराबर की भीड़ है दोनों तरफ, इधर और इधर, समझ लो। जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे तो I- वहां अटैक करेगा जहां भीड़ कम हो, स्टेरिक हिंड्रेंस जिधर कम हो। यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन खींचा O+ ने, इस पे थोड़ा सा प्लस चार्ज आया, इसने अटैक मारा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहां कम हो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, जहां भीड़ कम हो। I- अटैक्स ऑन दैट अल्काइल ग्रुप विच इज लेस क्राउडेड। पर भाई साहब ये सब तभी होगा जब दोनों अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हो, तभी ये मैकेनिज्म फॉलो होगा। एक भी कोई 3 डिग्री हुआ या बेंजाइल हुआ तब कार्बोकेटायन बनने लग जाएगा, तब SN1 मैकेनिज्म। जब दोनों प्राइमरी है, कोई कार्बोकेटायन नहीं, दोनों प्राइमरी है, तो क्या देखो ये रहा रिजल्ट ये रहा। इफ बोथ अल्काइल, व्हेन बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी, तो आप ये देखो I- अटैक्स ऑन दैट अल्काइल ग्रुप व्हिच इज लेस
क्राउडेड, यहां तो क्राउडिंग बराबर है तो किसी पे भी अटैक। नोट करो, फिर एग्जांपल दे रहे हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, नोट कर लो। नोट करो, सेम स्टेप में ये एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जाता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, यानी इसका जो आरडीएस होगा, जो इसका स्लोएस्ट स्टेप होगा, यही है, वो बाई मॉलिक्यूलर होगा, उसमें दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। आई माइनस वहां अटैक करेगा जहां भीड़ कम। छाप ले, छाप लिया। आइए अब देखते हैं आप कितना समझे, बस एक सवाल कराएंगे पता चल जाएगा आपको समझ में आया कि। आइए चलिए आप बताइए मुझे, अब CH3OC2CH3, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल प्लस HI, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन ए CH3I प्लस CH3CH2OH, ऑप्शन बी CH3OH प्लस CH3CH2I। यही तो डाउट है, किसके साथ I जुड़ेगा किसके साथ, बताओ बताओ। I माइनस उस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा जहां भीड़ कम हो। जरा और मैकेनिज्म देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। CH3OCH2CH3 प्लस HI, सॉरी HI, पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस CH3OCH2CH3 इस पे प्लस। अब कौन अटैक करने वाला है, I माइनस, तो I माइनस I अटैक करने। अब बताओ अगर इधर से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, आई माइनस बहुत आसानी से इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, बहुत आसान है कि नहीं। अच्छा मान लो इसी का हम उल्टा सोचें कि O प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, इसके ऊपर प्लस आया, अब आई माइनस को इस कार्बन पे अटैक करने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे दो तो हाइड्रोजन लगे हैं, एक CH3 जैसा बड़ा ग्रुप लगा है। देखो ऐसी फिगर है, ये कार्बन H, 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 O, H प्लस, ये कार्बन H, H और CH3। अब बताओ यहां पे अटैक करना आसान है कि यहां पे, ये वाला ज्यादा क्राउडेड है ना, ये वाला ज्यादा क्राउडेड है, आई माइनस को इस CH3 को भी पार करना होगा, और ये वाला कम क्राउडेड है, डेफिनेटली आई माइनस उस कार्बन पे अटैक करेगा विच इज लेस क्राउडेड, तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच के ये बाहर जाएंगे, इस पे थोड़ा सा प्लस चार्ज आया, आई माइनस ने अटैक मारा, क्या बना CH3I, और वो क्या निकल गया CH3CH2OH, तो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए। सर छोटे वाले अल्काइल ग्रुप पे आई लगा दे, समझ लो भाई दोनों में से छोटे वाले अल्काइल ग्रुप पे आई लगा दो, तो जहां भीड़ कम हो वहां आई माइनस जाके जुड़ जाएगा, बस इतना याद रखना है। आई माइनस कहां जुड़ेगा, जहां भीड़ कम हो, यहां पे भीड़ ज्यादा है यहां भीड़ कम है, ये तब करना है जब दोनों अल्काइल ग्रुप्स प्राइमरी हो, नोट कर ले, क्लियर है, कोई कार्बोकेटायन नहीं बना याद रखना, सेम स्टेप के अंदर ये इधर भागा और आई माइनस अंदर आया। चलिए केस टू पे चलते हैं, केस टू, व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी 3 डिग्री, है ना, या बेंजाइल हो, अभी बेंजाइल की भी बात कर लेते हैं, 3 डिग्री में कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है SN1 SN2 पे, पूरा हमने वीडियो करके रखा है, अगर आपने नहीं देखा YouTube पे टाइप करें SN1 एंड SN2 फिजिक्स वाला, 2 घंटे का वीडियो है, ठीक है। अब तो यहां SN1 होगा, एग्जाम्पल CH3 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 OCH3 प्लस HI। अब बात हो रही है कि इस रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला अल्काइल ग्रुप I को लेगा कि ये वाला, अगर आप पुरानी वाली कहानी पकड़ो तो ये ज्यादा क्राउडेड है, ये लेस क्राउडेड है, तो इसके साथ I निकलना चाहिए,
और ये करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बढ़िया सवाल बनते हैं इसके। आप सोचोगे यहां पे क्राउडेड कम है, आई इससे लगा दो, भैया पर एस एन टू मैकेनिज्म हो ही नहीं रहा। जैसे ही थ्री डिग्री मैकेनिज्म बदल गया, मैकेनिज्म ऐसा नहीं होने, देखो क्या होगा इस बार, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ सी एच थ्री। पहले स्टेप सेम है, एच आई इस पे अटैक करेगा, एच प्लस आएगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस पे कोऑर्डिनेट करेगा, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ सी एच थ्री एच, और यहाँ पे ओ पे प्लस। अब क्या होगा, इस बार कार्बोकेटाइन बनेगा, क्यों? क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, वहां प्राइमरी थे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। यहां एक तरफ थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तो वो बनेगा, यानी इस बार क्या होगा कि ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींच कर जाएगा और इस कार्बन पे प्लस आएगा। ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींच के जाएगा, क्या निकल गया सी एच थ्री ओ एच, और क्या बन गया सी एच थ्री सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री प्लस, यानी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा अगर दोनों में से कोई भी अल्काइल ग्रुप थ्री डिग्री है, टू डिग्री नहीं थ्री डिग्री है। अब अगले स्टेप में आई माइनस आर के इस पे अटैक कर देगा यहां पे, और क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री आई, यानी टर्शरी वाले से आई जुड़ेगा ज्यादा क्राउडेड से, क्योंकि मैकेनिज्म बदल गया है कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा SN1, ठीक है। तो बस पकड़ लो कि अगर एक भी थ्री डिग्री है तो आयोडीन थ्री डिग्री वाले से ही जुड़ेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके साथ I जुड़ेगा और इसके साथ H जुड़ेगा। नोट कर ले यहां पे क्या बन रहा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर भागा, जैसे इलेक्ट्रॉन लेकर भागा इसके ऊपर प्लस चार्ज। वहां क्यों नहीं बना, क्योंकि वहां पे दोनों प्राइमरी अल्काइल ग्रुप थे और वन डिग्री कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता तो वहां नहीं बन पाया। क्लियर है, यहां चांस है एक स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलने की तो बन गया। नोट करें, नोट करें कि कोई भी एक थ्री डिग्री है तो थ्री डिग्री वाला आयोडाइड बनाएगा। नोट कर लिया, ओके। तो अगर दोनों में से कोई एक थ्री डिग्री है तो थ्री डिग्री से आई जोड़ दो, दोनों अगर वन डिग्री हैं तो जहां कम भीड़ है उससे आई जोड़ो। व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी, या क्या बोला था मैंने, बेंजाइल। बेंजाइल क्या होता है, जरा एक एग्जांपल ले लें, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। मान लो ये अराइल नहीं है, अराइल में क्या होता है, यहीं पे ओ लगा होता है, ये बेंजाइल, ये देखो बेंजाइल ग्रुप, समझ रहे हो। अराइल अलग होता है, अराइल में सीधा ओ यहां से जुड़ा, एनसीईआरटी उसके बारे में बात कर रही है, हम भी करेंगे। ये बेंजाइल है सी एच टू से, ठीक। अब प्लस एच आई, फिर से डाउट कि इस सी एच थ्री के साथ आई जोड़े कि इस पूरे अल्काइल ग्रुप के साथ आई जोड़े, तो मैकेनिज्म देख लो बड़ा आसान है, मैकेनिज्म देख लो हलवा एकदम। पहले स्टेप में एच आई में से एच प्लस निकला, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इसको कोऑर्डिनेट किया, ये बना, ठीक है। अब यहां पे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किससे खींचे, इससे खींचे या इससे, देखो अगर इस वाले कार्बन से खींचता है इलेक्ट्रॉन तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये भी बहुत स्टेबल होता है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज वेरी स्टेबल, थ्री डिग्री बहुत स्टेबल होता है, और बेंजाइल भी, बेंजाइल क्यों स्टेबल होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। देखो ये कार्बोकेटाइन बनने के चांस है, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहां खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, पूरे रिंग में रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस हैं
अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के चांसेस हैं तो रिएक्शन SN1 को फॉलो करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकल जाएंगे इस स्टेप में -CH3OH और कार्बोकेटायन बन के आ जाएगा अपने पास बेंजाइल कार्बोकेटायन CH2+ और इस पे अटैक करेगा I-CH2I। अराइल और बेंजाइल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो अराइल वो होता है जब बेंजीन से O जुड़ा और उससे दूसरा अल्काइल ग्रुप, वो अराइल ईथर, ये बेंजाइल, बेंजाइल ग्रुप ये होता है। तो बेंजाइल में भी SN1 हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे भी कार्बोकेटायन स्टेबल बन सकता था। क्यों स्टेबल हुआ? ड्यू टू रेजोनेंस। बाकी स्टेप सेम है, H+ अटैक किया, इलेक्ट्रॉन इधर से क्यों खींचा? क्योंकि एक स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता था। अब I- आया, इससे जुड़ गया, तो I किससे जुड़ेगा? इससे और इस वाले से जुड़ेगा H। क्लियर है? नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर लिया, नोट कर लिया, मिटा रहे? ओके। तो अभी तक आप ये समझे कि अगर दोनों तरफ 1 डिग्री है अल्काइल ग्रुप है तो आई उससे जुड़ेगा जिधर भीड़ कम हो। अगर दोनों में से कोई एक 3 डिग्री है या बेंजाइल है तो आई 3 डिग्री या बेंजाइल से जुड़ जाएगा, बात खत्म हो गई। क्लियर है? 3 क्वेश्चन देख लो, खटाक से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगी कहानी पूरी। 3 क्वेश्चन बस आप पकड़ लो, आपको कहानी पूरी याद रहेगी। CH3OC2H5+HI, CH3CCH3CH3OCH3+HI और एक बेंजाइल वाला CH2OCH3+HI। चलो जल्दी जल्दी सबके आंसर बताओ। यहां दोनों क्या है? 1 डिग्री है, तो जहां भीड़ कम है, भीड़ यहां कम है, तो यहां आई जोड़ दो, CH3I+C2H5OH। यहां क्या है? एक 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री से आई जुड़ जाएगा, CH3C CH3CH3I और बचे हुए से H। यहां क्या है? बेंजाइल है, बेंजाइल है तो बेंजाइल से आई जोड़ दो, अंदर में से मैकेनिज्म है, इन दोनों में कार्बोकेटायन बना होगा, यानी ये हुआ होगा SN1 से, ये भी हुआ होगा SN1 से और ये हुआ होगा SN2 से। क्लियर? क्लियर हो गया एकदम? अब जब दोनों सेम हो तब तो दिक्कत ही नहीं है, किसी से भी आई और किसी से भी H। मिटा रहे इसको? ओके। अब बात आती है कि अगर कोई 2 डिग्री हुआ तो क्या करें? केस थ्री, इफ एनी वन अल्काइल ग्रुप इज 2 डिग्री, दोनों में से कोई एक 2 डिग्री हो तब आप सॉल्वेंट चेक करना। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, अगर सॉल्वेंट दिया है कि वाटर है या इथेनॉल है, ऐसा कोई सॉल्वेंट है, तो SN1 फॉलो करना और स्टेबल कार्बोकेटायन चेक करना। जहां स्टेबल कार्बोकेटायन वहां जाके आई जुड़ेगा। और अगर सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक है, ना इसके सवाल कम ही आएंगे क्योंकि ये डाउटफुल हो गया, पोलर एप्रोटिक जैसे एसीटोन, ऐसा कोई सॉल्वेंट है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और आपको देखना होगा लेस क्राउडेड कार्बन और उस पे जाके आई को जोड़ देना। क्लियर है? यानी 2 डिग्री केस में वो सॉल्वेंट को मेंशन करेंगे, जब भी 2 डिग्री देंगे सॉल्वेंट मेंशन करेंगे। अगर सॉल्वेंट वाटर या इथेनॉल है तो आप देखना किस तरफ स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, उस तरफ जोड़ना। और अगर सॉल्वेंट एसीटोन है, पोलर एप्रोटिक, तो आप लेस क्राउडेड कार्बन को चेक करना जहां भीड़ कम है। ठीक है, जैसे मान लो ये ले लेते हैं सी सी एच थ्री
CH3 plus HI. अब मान लो सॉल्वेंट दिया है वाटर और यहां सॉल्वेंट दिया है एसीटोन. अब देखो ये कैसा है, 2 डिग्री है. ठीक, अगर वाटर दिया है तो क्या होगा, वाटर दिया है तो क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, सॉरी SN1 मैकेनिज्म होगा, यानी कार्बोकैटायन बनेगा. स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बन सकता है, ये वाला 2 डिग्री. तो इससे जाके आई को जोड़ दो, CH3 CH3 HI, और इस वाले से अल्कोहल बना दो CH3 OH. सॉल्वेंट एसीटोन है तो SN2 मैकेनिज्म, यानी लेस क्राउडेड पे आई जाएगा. लेस क्राउडेड कौन है, ये वाला, यानी बन जाएगा CH3 I प्लस CH3 CH CH3 OH. बोलो क्लियर हो गया, एकदम आसान है. अगर वाटर दिया है तो देख लो स्टेबल कार्बोकैटायन, एसीटोन वगैरह दिया है पोलर एप्रोटिक तो क्या देख लो, लेस क्राउडेड कार्बन. नोट कर ले, नोट कर ले, ये आता नहीं है जल्दी, आएगा भाई प्राइमरी टर्शरी या बेंजाइल. प्राइमरी में क्या देखो, कम भीड़, टर्शरी और बेंजाइल में, टर्शरी और बेंजाइल से आई को जोड़ दो. हो गया आसान है एकदम, मिटा रहे. ओके, अब आता है अराइल ईथर. अगर आपके पास अराइल ईथर हो, अराइल ईथर क्या हो जाएगा अपना, अराइल ईथर ये हो जाएगा OCH3, ये हो गया अराइल ईथर. इसको हम क्या बोलते हैं, इसका फेमस नेम क्या है, एनिसोल, है ना. कॉमन नेम आप बोल सकते हो मिथाइल फिनाइल ईथर. एक तरफ देखो मिथाइल लगा, एक तरफ फिनाइल ईथर. अब इसका रिएक्शन है चाई से, ठीक है, इसका रिएक्शन है चाई से, क्या होगा मैकेनिज्म देखते हैं, समझ में आ जाएगा क्या होगा. पहले चाई में से कौन अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा, टुंगडुंग टुंगडुंग, ये इससे कोऑर्डिनेट किया, ये बन जाएगा हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट किया, ऑक्सीजन में प्लस आ गया. अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किस तरफ से खींचेगा ये देखना है हमें, और मैकेनिज्म कौन सा होगा ये देखना है. देखो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा इसने, तो ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, फिनाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल नहीं फिनाइल, बहुत अनस्टेबल. और इधर से अगर इलेक्ट्रॉन खींचा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, वो भी वेरी अनस्टेबल. ठीक है, तो कार्बोकैटायन तो बन नहीं सकता, यानी मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो जाएगा अपना, SN2 मैकेनिज्म, देयर इज नो कार्बोकैटायन. और सुनो, और सुनो, मतलब जहां कम भीड़ है उस पे आई जोड़ दो. पहले और कहानी सुन लो, कहानी ये है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो खींचना ही मुश्किल है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना ही मुश्किल है. क्यों मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ रेजोनेंस में होगा, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा. O प्लस CH3H, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन ये खींचना चाहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ. कैसे, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और यहाँ रेजोनेंस होगा, यानी यहाँ पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा, डबल बॉन्ड आ रहा होगा, तो ये बॉन्ड टूटना बहुत टफ हो गया. तो घुमा फिरा के लास्ट में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे थोड़ा सा प्लस आएगा, आई माइनस आएगा, CH3 पे जुड़ जाएगा, क्या बना CH3 I, और क्या बन गया फिनॉल. बोलो क्लियर है, यानी इस केस में क्या बनता है, फिनॉल बनता है. रीजन यहीं से देख लो कि या तो ये बॉन्ड टूटना है, या तो ये बॉन्ड CO बॉन्ड टूटना है, तो या तो ये CO बॉन्ड टूटे, या तो ये बॉन्ड टूटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो CH3 के साथ आई जुड़ गया और वो अपना प्यारा सा क्या बन गया, फिनॉल. क्लियर है, पहले HI अटैक किया, H+ को इसने कोऑर्डिनेट किया, ये बना. अब हमने बोला कि दोनों तरफ से स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, यहां से खींचा तो फिनाइल कार्बोकैटायन, बहुत अनस्टेबल,
यहां से खींचा तो 1 डिग्री कार्बन के टाइम वो भी अनस्टेबल, तो मैकेनिज्म कौन सा हो गया अपना SN2 मैकेनिज्म हो गया। तो जो लेस क्राउडेड है उस पे आई, जो द लेस क्राउडेड ये भी नहीं समझ में आया तो हमने बताया कि ये बॉन्ड टूट ही नहीं सकता। ये बॉन्ड कैसे टूटे, यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, यहां पे क्या है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये फिनाइल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो यही वाला बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटा, CH3 पे थोड़ा सा प्लस आ रहा था तब तक I- अटैक कर दिया CH3I, यहां पे इलेक्ट्रॉन आया ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म फिनॉल, तो ये हो गया अराइल ईथर। अराइल ईथर के केस में क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, नोट करना है। नोट कर लें, क्लियर हो गया। बेंजाइल और अराइल में कंफ्यूजन तो नहीं है, बेंजाइल में क्या था यहां पे एक CH2, यहां पे सीधा O लगा है, बेंजाइल बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन है और यहां से इलेक्ट्रॉन अगर खींचोगे तो यहां प्लस लोगे, वो बहुत अनस्टेबल है, फिनाइल कार्बोकेटायन नहीं, ठीक है बहुत अनस्टेबल। तो ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक नहीं हो सकता, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और CH3 से आई और फिनॉल बनेगा, ऐसे याद रख सकते हो। अराइल ईथर के केस में ये याद रखो क्या बनेगा, फिनॉल, तो याद रहेगा, नोट कर ले, कर लिया, मिटा रहे, ओके। अब इसी में एक और पॉइंट आता है, वो ये है कि अगर HI एक्सेस में है, विथ एक्सेस HI एनी अल्कोहल फॉर्म ऑल्सो कन्वर्ट्स टू अल्काइल आयोडाइड। वाह, ये क्या बात है कि अगर एक्सेस अचाई है, अगर एक्सेस अचाई है तो जो अल्कोहल बना है वो भी अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। मतलब मान लो ROR- और बोलता है कि HI हमारे पास एक्सेस में है, बहुत है, तो क्या बनेगा, RI बनेगा, R- भी आई बनेगा और निकल जाएगा वाटर। इसके यहां पे दो मोल ले लो, एक इसके साथ आई लग गया, इसके साथ आई और दो H और O मिला के H2। कैसे हुआ ये देखो जरा, क्या हुआ, ROR- एक अचाई का मॉलिक्यूल आया, क्या बना, RI+R-OH। हमसे बोल रहा है कि अचाई किसमें है, एक्सेस में, एक्सेस में है, तो ये जो R- सेकंड स्टेप, ये जो R-OH बना है ये फिर रिएक्ट कर गया HI से, ये फिर रिएक्ट कर गया HI से, यहां से वाटर निकल गया और क्या बना R-I, ये तो लिख रहा है ना ऊपर, विद एक्सेस HI एनी अल्कोहल फॉर्म्ड आल्सो कन्वर्ट्स टू अल्काइल आयोडाइड। यानी एक्सेस HI दिखे तो कंफ्यूजन ही खत्म, चाहे दोनों तरफ प्राइमरी हो, चाहे टर्शियरी हो, चाहे बेंजाइल हो, अराइल में नहीं, उसको छोड़ देना, चाहे दोनों तरफ प्राइमरी हो, चाहे टर्शियरी हो, चाहे बेंजाइल हो, सेकेंडरी हो, कोई फर्क नहीं, सबसे क्या बना दो, अल्काइल आयोडाइड, क्योंकि जो भी अल्कोहल बना होगा वो अल्कोहल फिर HI से रिएक्ट करके अल्काइल आयोडाइड, दोनों ग्रुप से अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, दोनों ग्रुप से अल्काइल आयोडाइड, एक ग्रुप जो अल्कोहल बना रहा था वो भी HI से रिएक्ट करके अल्काइल आयोडाइड में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे चलो बताओ CH3O C2H5 HI इन एक्सेस, दूसरा CH3C CH3 CH3O CH3 विद HI इन एक्सेस, तीसरा बेंजाइल वाला लेने CH2O CH3 with HI in excess और अराइल वाला भी ले लेते हैं लास्ट में, चारों केस OCH3 यानी सो लेंगे with HI in excess, जरा चारों को करके बताओ, चारों करके बताओ क्या होगा,
पॉज करके चारों के आंसर बताओ इस बार, पॉज करके। चलो पॉज करके हो गया। चलो मैं पांच का गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5, खुद से कर लो एक बार। चलो इसमें क्या होगा, आई उस वाले अल्काइल ग्रुप पे जाएगा जो कम भीड़ वाला, यानी इस पे, तो इसका तो बनना ही है CH3I प्लस। यहां से अल्कोहल बनेगा, वो भी एच आई से रिएक्ट कर जाएगा, तो उससे भी अल्काइल आइडाइड C2H5I, साथ में H2O निकल जाएगा। ठीक है, सब में हो, सब में होगा प्लस H2O है ना, यहां दो मोल ऑफ एच आई। अच्छा फिर यहां पे आओ, यहां आयोडीन किससे जुड़ेगा, 3 डिग्री में 3 डिग्री वाले से जुड़ता है, यानी ये तो बनेगा ही बनेगा CH3C CH3CH3I, और इससे बनेगा अल्कोहल, वो फिर HI से रिएक्ट करेगा, वो भी अल्काइल आयोडाइड CH3I और क्या निकला H2। क्लियर है, दो HO के साथ निकल गया और दोनों तरफ अल्काइल आयोडाइड। ये वाला इसमें आयोडीन किस पे जुड़ेगा, बेंजाइल पे, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटायन इज वेरी स्टेबल, SN1 मैकेनिज्म क्या बनेगा CH2I, ये बनेगा अल्कोहल, फिर HI से रिएक्ट करेगा, ये भी बन जाएगा CH3I प्लस H2O, पूरा बता रहा हूं। इसमें क्या होगा, इसमें मैंने बताया ये बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां CH3 को ही I से जुड़ना होगा, तो CH3 जुड़ेगा I से और ये क्या बन जाएगा फिनॉल, सुन लो फिनॉल, और फिनॉल फर्दर HI से रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसका सब्स्टिट्यूशन करना इतना आसान नहीं है, बाकी सबका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सबका हो सकता है, इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहां पे इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहां पे इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, बट फिनॉल का सब्स्टिट्यूशन नहीं, यानी अराइल ईथर के केस में एक्सेस HI से भी प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ता, वेरी इंपॉर्टेंट, इन अराइल ईथर even in excess HI we get phenol, excess HI लगाओगे तब भी phenol मिलेगा, phenol further HI से react नहीं करता, यहाँ पे partial double bond character अभी भी है, देखो resonance अभी भी हो रहा, तो ये OH minus निकल के नहीं जाएगा, ये nucleophilic substitution show ही नहीं करते हैं, ये करते हैं क्योंकि यहाँ पे carbocation, इसमें और इसमें difference है, clear हो गए पूरी logic, एक HI में क्या करना है इस केस में, यहां पे आई लगाओ, इसमें यहां पे आई लगाओ, इसमें यहां पे आई लगाओ, इसमें यहां पे आई लगाओ, ज्यादा HI एक्सेस में दोनों पे आई लगा दो, दोनों पे आई लगा दो, दोनों पे आई, इसमें अभी भी सिर्फ इस पे और यहां से फिनॉल, कंप्लीट कहानी मैंने आपको बता दी, नोट कर लें, बधाई हो अगर आपने यही बनाया था, ये वाला शायद गलत किया हो, ये भी अगर अच्छा किया था तो बहुत बहुत बधाई है। चलिए यहां पहला रिएक्शन आपका खत्म होता है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरे तरह का रिएक्शन जो कि अराइल ईथर्स की प्रॉपर्टी है, सेकेंड रिएक्शन और अराइल ईथर्स, रिएक्शंस ऑफ अराइल, रिएक्शंस ऑफ अराइल ईथर्स ड्यू टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के रिएक्शंस, ये आपको हम पहले फिनॉल में भी पढ़ा चुके हैं, बेंजीन रिंग कौन सा रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमें देखना होगा कि ये जो ईथर का ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करता है या प्रमोट नहीं करता है, आओ देखें ओ, और यहां पे कोई अल्काइल ग्रुप, ये हो गया अराइल ईथर। अब यहां देखो जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में डालेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में डालेगा, यानी ये जो ओआर ग्रुप है ये क्या करता है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी, अपना ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया ड्यू टू मेजोमेरिक इफेक्ट, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट, ये फिनॉल पे भी था यही और यहां पे भी है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिंग में डाल देगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और आना किसको है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर को,
तो अब इलेक्ट्रॉन लवर इस पे और आना चाहेगा कि नहीं? भाई इलेक्ट्रॉन लवर इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स देख रहा था, इसी के लालच में आ जाता है, बेंजीन पे भी आ जाता है वो। इलेक्ट्रोफाइल तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स देख के ही आ जाता है, अब ये और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल और ज्यादा आएगा। यानी हेंस ओआर ग्रुप एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन का लवर, और इसने इलेक्ट्रॉन और भर दिए अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का लवर और तेजी से आ जाएगा। यानी ये एक्टिवेट करते हैं रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। फिनॉल हो गए, ये हो गए, एल्कोक्सी ग्रुप हो गए, ये सब एक्टिवेट करते हैं। अभी आगे आने वाले चैप्टर में आपको बेंजल्डिहाइड देखना होगा, CHO, है ना, एसिटोफिनोन देखना होगा, कीटोन, बेंजोइक एसिड, COH, वो सब डीएक्टिवेट करते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल को आने नहीं देते। ये इलेक्ट्रोफाइल को और बुलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल तो यार ये पाई इलेक्ट्रॉन देख के ही आ रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन मनचले से होते हैं, घूमते रहते हैं, इसी को देख के आ रहा था, और इसने इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए, यानी इसने एक्टिवेट कर दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब एक चीज और देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन होल रिंग बट मोर एट ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ती है, ये हमने आपको रेजोनेंस करके बताया था फिनॉल में, यहां भी देख लो, रेजोनेंस की कहानी है, छोटा छोटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओ आर क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहां ढकेलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहां पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और ये पाई बॉन्ड यहां पे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखेगा, ये पाई बॉन्ड देखो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, पाई बॉन्ड यहां पे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखेगा, बोलो क्लियर है, ये यहां बॉन्ड बना लिए यहां पे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये वापस ऑक्सीजन पे जाएगा, ध्यान से देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे आ रहा है, यहां पे यानी ऑर्थो पे, यहां पे यानी पैरा पे, और फिर से ऑर्थो पे, आ तो सब जगह रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन होल रिंग, याद रखना ऐसा नहीं है कि ऑर्थो पैरा पे ही इंक्रीजेस इन होल रिंग, बट मोर एट ऑर्थो एंड पैरा। यानी ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ये कहां अटैक करेगा, ये अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसे कहां दिख रहे, ऑर्थो एंड पैरा। तो हम बोल सकते हैं कि OR ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, OR इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, नोट कर लें इसमें से जो भी अच्छा लगे, पॉज करके नोट करें, इसके बाद देखते हैं हम इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें, 1 2 3 4 मिटा रहे इसको, चलिए अब इसके हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, इसमें ईथर का कोई लेना देना नहीं है, बस ईथर क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा से डायरेक्ट कर रहा है, तो इसमें बहुत से रिएक्शंस होंगे, अलग अलग ना लेके एक ही बार में आज आपको दिखा रहे सारे रिएक्शंस, यहां पे आप बना लो OCH3, चलो ये ले लेते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिसो, सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम उठा लेते हैं यहीं पे, सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका रिएक्शन हमने कराया किसी हैलोजन से, Br2 से, यहां से Br+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल आएगा, Br+ नाम का, मैं सबके साथ इलेक्ट्रोफाइल बताता चलता हूं, Br+ इलेक्ट्रोफाइल आया, कहां जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, दोनों जगह जाएगा,
एक तो ये बनेगा पैरा प्रोडक्ट और बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट। अलग अलग नहीं कर रहे क्योंकि फिनॉल में हमने आपको ये काफी डिटेल में पढ़ाया था अलग अलग करके, पहले बेंजीन इंजीन में भी आप पढ़ चुके हैं, क्लोरो बेंजीन में भी पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन बनेगा, डेफिनेटली ये बनेगा, वहां पे रिपल्शन होगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो ये स्टेबल होता है नहीं, तो ये हमारा माइनर हो गया रिपल्शन की वजह से, है ना, क्राउडिंग की वजह से, और ये हमारा मेजर हो गया पैरा प्रोडक्ट मेजर। एक और देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आओ देखते हैं हम लोग इसका नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए कंसेंट्रेटेड HNO3 और साथ में यूज करना पड़ता है कंसेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आएगा NO2+, नाइट्रोनियम आयन NO2+, कहाँ जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे, तो क्या क्या बनेगा OCH3 NO2 नाइट्रो, सॉरी पैरा नाइट्रो OCH3 ऑर्थो नाइट्रो, पैरा नाइट्रो एनिसोल ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। इसमें मेजर फिर से ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई रिपल्शन नहीं है, और ये माइनर हो जाएगा ड्यू टू रिपल्शन, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे कार्बन के साथ वाले, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हों, ऑक्सीजन से जुड़े हों, फ्लोरीन से जुड़े हों, फोन से जुड़े हों, फोन से, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो, ये हो गया नाइट्रेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसमें क्या होता है एल्काइल ग्रुप आता है किस फॉर्म में CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहां से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा अल्काइल CH3+, कहां पे जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, पैरा मिथाइल एनिसोल ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, मेजर फिर से ये हो जाएगा क्योंकि कोई रिपल्शन नहीं है, और ये माइनर हो जाएगा ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन टू बल्कि ग्रुप्स। फिर फ्रीडल क्राफ्ट में एक और रिएक्शन होता था, कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें असाइल ग्रुप आता है, असाइल मतलब CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये ग्रुप आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है CH3C डबल बॉन्ड O+, ये ग्रुप आता है CH3C डबल बॉन्ड O+, ये C+ कहां जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पे, तो क्या क्या बन सकता है देखें जरा, OCH3 पैरा पे जुड़ा, C डबल बॉन्ड OCH3 ऑर्थो पे जुड़ा, OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसमें फिर से ये हो जाएगा हमारा मेजर और ये हो जाएगा हमारा माइनर। बाकी सब में जो मेन रिंग थी वो एनिसोल की ही थी, यहाँ एनिसोल की नहीं, यहाँ इसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा, ये जो कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड OCH3 इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक एल्कोक्सी हो गया, एक कीटोन हो गया, एल्कोक्सी और कीटोन में प्राइमरी कौन बनता है ये, है ना, ये ज्यादा इसके ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, तो ये मेन रिंग बन गई एसिटोफिनोन की। तो आप नाम लिखोगे पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, क्या लिख दोगे एक का बता दें, पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, इसको लिखोगे ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है, इसमें ये मेन फंक्शन ग्रुप बन गए इनके हिसाब से, नहीं बोल रही है एसिटोफिनोन के ऑर्थो पे क्या लगा है मिथॉक्सी, एसिटोफिनोन के पैरा पे क्या लगा है मिथॉक्सी, बाकी सब में एनिसोल के हिसाब से, पैरा ब्रोमो एनिसोल ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा मिथाइल एनिसोल ऑर्थो मिथाइल एनिसोल। तो ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अलग अलग बताने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने ये समझा दिया कि ये एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और कहां पे ऑर्थो और पैरा पे, तो नोट कर लेंगे इनको, यहां पे आपकी ईथर्स की प्रॉपर्टीज खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, नोट कर लें इसको पॉज करके।